अगर समय पर जिला प्रशासन ने महिला की शिकायत पर गौर किया होता तो शायद कुमारहट्टी में हुई इस भयानक घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि दुर्घटना स्थल के साथ बने निजी होटल की मालकिन ने पिछले वर्ष वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, TCP और जिला के आला अधिकारियों को ये शिकायत दर्ज की थी कि भवन निर्माणकर्ता नियमों को ताक पर रखकर भवन का निर्माण करवा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। अगर समय पर जिला प्रशासन ने महिला की शिकायत पर गौर किया होता तो शायद कुम्हारहट्टी में हुई इस भयानक घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि दुर्घटना स्थल के साथ बने निजी होटल की मालकिन ने पिछले वर्ष वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, TCP और जिला के आला अधिकारियों को ये शिकायत दर्ज की थी कि भवन निर्माणकर्ता नियमों को ताक पर रखकर भवन का निर्माण करवा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उसका नतीजा पिछले कल देखने को मिला, जिसमें भवन गिरने से 14 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि सोलन कसौली में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है, जिस पर हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई थी और सबसे पहले कसौली के अवैध होटल तोड़ने के आदेश हुए थे। जब ये कार्रवाई 2 वर्ष पूर्व कसौली में अमल में लाई जा रही थी, तब एक होटल मालिक ने महिला अधिकारी और बेलदार को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था। उसका अपराधी अभी भी सजा काट रहा है। ये तभी होता है जब अधिकारी अवैध निर्माण पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जो इस तरह की त्रासदियों का रास्ता भी भ्रष्टाचार से होकर जाता है। इसलिए उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण होते हैं। देखिए, मैंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन की, मैंने उनको बोला कि 7 ट्रीज की इनको परमिशन थी, इन्होंने 47 ट्रीज काटे। और ऐसे ही TCP को मैंने की कि देखो, यहाँ ये रेजिडेंट जब वो आई भी एक महिला यहाँ पर ये बिल्डर से पूछने के लिए कि ये क्या बना रहे हैं आप, तो उसने कहा ये मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो उनका घर थोड़ी ना, ये तो 8 मंजिल यहाँ हैं, 8 फ्लैट्स यहाँ हैं, 8 फ्लैट्स नीचे और 8 फ्लैट्स और बनाएगा वो, तो ये कोई घर तो नहीं हुआ ना, और किसकी परमिशन से ये सब बन रहा है। और फिर उसके बाद में मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कहा, क्योंकि उसने इतनी ज़मीन इतने ख़राब से काटी हुई थी, उसको कोई समझ नहीं थी कैसे ज़मीन काटनी है। तो मुझे तो लग ही रहा था कि ये सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर तबाही हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी एक एप्लीकेशन और चिट्ठी लिखी कि भैया आप इसको देखिए। बिकॉज जब हम TCPP के पास गए, उन्होंने कहा ये पोल्यूशन बोर्ड देखेगा, तो हम उनके पास परवानों में हमने उनको एप्लीकेशन की। मेरे लैंड को नुकसान ना आए इसलिए मैं नीचे जाके हर रोज़ देखती थी, हर रोज़ काट फोटो खींचती थी, और वो फोटोज़ मैंने लगा के भी भेजी लोगों को। तो ये था आज इनपर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।